मधुरम मधुराक्षरम। आचार्य चरण विप्रवृंद एवं केदार क्षेत्र में उपस्थित समस्त संत चरण, आज इस अभिषेक परिक्रमा का छठवां दिन और जैसा कि मैंने कहा कि व्यास गादी का परम सौभाग्य भगवान केदारनाथ के चरणों में बैठकर अभिषेक परिक्रमा के माध्यम से श्री राम कथा से भगवान केदारनाथ का अभिषेक हम कर रहे हैं। और उनकी करुणा को जब देखता हूं तब अतिरेक होता है भाव का, कि ठीक वैसे ही जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जैसे एक छोटा बालक अपनी तोतली भाषा में कुछ प्रसन्न होकर सुनते हैं, ठीक उसी भाव से मैं कुछ व्यासगादी से बैठकर तोतली भाषा में बोल रहा हूं और उसे मेरा केदारनाथ सुनता है उसी भाव से। आज उसका प्रमाण है मेरे पास कि आज केदारनाथ की सेवा करने वाले प्रधान पुजारी श्रोता बनकर बैठे हैं। मुझे लगता है केदार आया है। अभी तक तो दूर से ही सुनते थे, लेकिन आज विवाह का प्रसंग है ना, तो संभव है केदारनाथ इस रूप में आकर कहीं सामने बैठा है। तो आइए चलें उस भाव में। भगवान शंकर की अखंड समाधि, उधर भगवती उमा महाराज हिमवान के यहां अवतरित हो चुकी है। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ और देव ऋषि नारद ने वो सूत्र भगवती उमा के हाथ में दे दिया है कि भाग्य को लिखे को यदि बदल सकता है तो वो केवल शिव बदल सकता है। भावेव मेट सकहि त्रिपुरारी। आद्य शक्ति ने जब त्रिदेव का सृजन किया, त्रिदेव को उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु शिव, तब आदि शक्ति ने कहा कि तुम तीनों हो समान, तुम तीनों को समान अधिकार भी देती हूं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु से अधिक कुछ अधिकार शिव के पास होंगे। शिव को कुछ अधिक अधिकार दिए गए, इसलिए सब देव तो देव कहलाए, केवल शिव ही महादेव कहलाए। केवल एक ही देव ऐसा है जो महादेव कहलाए, तो शिव के पास कुछ अधिकार अधिक हैं, इसलिए भाविव मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि परिवर्तन करना है तो परिवर्तन विधाता के लिखे में कोई नहीं करता, केवल शिव करता है। समय अनुसार भगवती उमा
वन प्रदेशों में तपस्या के लिए जाती है, शिव प्राप्ति के लिए घोर साधना करती है। तप के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, संवत सहस संवत सहस मूल फल खाए। ऐसा उग्र तप किया है, संबत सहस मूल फल खाए, फागु खाई फत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बताशा, कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, संबत से तक कंदमूल का आहार करती, साग खाई शत बरस कमाए, 100 वर्ष तक केवल शाक खाकर उपवास करती रही, और फिर तो कंदमूल भी छूट गया, ये आहार भी छूटने लगा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, साधना का मार्ग ऐसा ही मार्ग है, साधना के मार्ग में कुछ छोड़ना नहीं होता, साधना जैसे जैसे बढ़ती है साधन अपने आप छूटने लगते हैं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, और जो छोड़ते हैं जबरदस्ती छोड़ दिया जाता है, आज से ये नहीं करेंगे ये छोड़ दिया, जिसे छोड़ा जाता है उसे पकड़ने का भय रहता है, उसे कभी भी पकड़ा जाता है, और छोड़ तो उसे ही सकते हो ना जिसे पकड़ा हो तुम। लेकिन साधना एक ऐसी स्थिति है कि जैसे जैसे साधना बढ़ती है कुछ छोड़ना नहीं होता, सब अपने आप छूटता रहता है, सब छूटता है। कठिन उपवास करने लगी, और अब तो केवल बिल्व पत्र खाकर रहने लगी, बेले पाती मही परई सुखाई, 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 संबत सोई खाई, तीनी सहस संबत
पृथ्वी पर गिरते थे, केवल उन बिल्व पत्र को खाकर रहने लगी। और स्थिति ऐसी बनी, फिर साधना जैसे जैसे बढ़ी, वो पत्ते भी छूट गए, बिल्व पत्र भी छूट गया। जब बिल्व पत्र भी छूट गया, तब नाम हुआ अपर्णा, तब नाम हुआ पार्वती। परिहारे दिन भोजन बारी बता, और अब तो केवल जल का आहार करने लगी। जल भी छूट गया, फिर केवल वायु ही आहार बचा है, केवल वायु भक्षी हो गई। तप बढ़ता गया बढ़ता गया, शरीर क्षीण हो गया है उमा का। और आज आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई, भय मनोरथ सुफल तबा, आकाशवाणी हुई, भय मनोरथ सुफल तबा, राजकुमारी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होता है। अब तुम इन समस्त असह्य क्लेशों को, इस साधना को त्याग दो, तुम्हें अब शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। किसी ने आज तक इतना कठोर तप नहीं किया उमा। हे उमा, अब जब तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आए ना, तब तुम उनके साथ भवन को लौट जाना। सप्तऋषियों से तुम्हारी भेंट होगी, सब भेद आकाशवाणी ने खोले, और जब सप्तऋषियों से तुम्हारी भेंट हो जाए, तब इस आकाशवाणी को प्रमाणित मानना। भाव से भगवती उमा समय अनुसार महाराज हिमवान के साथ भवन लौट जाती हैं। सप्तऋषि परीक्षा लेते हैं, देवगण भी समय समय पर परीक्षा लेते हैं, लेकिन प्रत्येक कसौटी पर खरी उतरी हैं भगवती उमा। और जब से पति ने शरीर त्याग किया, तब से भगवान शंकर के हृदय में तो वैराग्य बस गया। सदा सर्वदा परमात्मा श्री राम का
सुमिरन करते रहते, जहां तहां परमात्मा राम की कथाओं को सुनते हैं। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित भगवान शंकर, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल पर विचरण कर रहे हैं। चिदानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम, बिच रही मही धरी हृदय हरि, सकल लोक रहा है धीरे धीरे, और देखा आज परमात्मा राम ने भगवान शंकर के उस कठोर नियम को, उस अनन्य प्रेम को और उनके हृदय में उस भक्ति को देखा, तो परम कृपालु रूपशील के भंडार महान तेज पुंज भगवान रामभद्र आज शिव की समाधि में प्रकट हुए। भगवान शंकर के कठिन व्रत की सराहना करते हुए भगवान शंकर को पार्वती के जन्म का संदेश देते हैं राम, और भगवती पार्वती के उस पवित्र और कठोर तपस्या का भी समाचार देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार संग करही सराहा, 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 तुम बिन वसव तू को निर्वा, बहु विधि राम शिव ही समझावा, बहु विधि राम शिव ही समझावा, बहु विधि राम शिव ही समझावा, जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे कृतज्ञ कृपाला। बहुत प्रकार से भगवान शंकर को समझा रही है परमात्मा राम, पार्वती के जन्म का वृतांत सुनाया है, कठोर तप का वर्णन किया है, और तुलसी जी लिखते हैं, अति पुनीत गिरि जाके कदमी, अति पुनीत गिरि जाके कदमी, अति पुनीत गिरि जाके कदमी, अति पुनीत
शिव, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आज आज शिव मेरी एक विनती आप सुने। परमात्मा राम शिव के समक्ष विनती करते हैं, हे शिव, मैं आज तुम्हें कुछ देने नहीं आया हूं, आज मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आया हूं शिव, आज तो मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान शंकर ने देखा परमात्मा राम की ओर, प्रभु बोले हां, आज मैं कुछ देने नहीं आया हूं शिव, आज तो मैं तुमसे कुछ याचना करने आया हूं। कहा आज्ञा करें प्रभु। राम बोले, अब विनती मम सुनाहू शिवा। हे शिव, अब मेरी विनती सुनिए। अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने हु, जाई विवाह फैल जही, यह मोहि मांगे दे, यह मोही मांगे दे, यह मोही मांगे दे। प्रभु ने कहा, हे शिव, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए, मैं आज आपको कुछ देने नहीं आया हूं, आज तो कुछ मांगने आया हूं। अब आप जाकर पार्वती से विवाह करने, अब आप पार्वती को स्वीकार करें, अब आप उमा को स्वीकार करें, यही वर मैं मांगने आया हूं आज। सुना भगवान शंकर ने और कहा, प्रभु यद्यपि यह उचित नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी की आज्ञा को मिटाया भी तो नहीं जा सकता ना। हे हरि, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके उसका पालन करूं। शिव बोले, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा फिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे प्रभु, माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचार किए मान लेना चाहिए। प्रभु, आप तो मेरे सब प्रकार से हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। और इतना सुनकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर ने परीक्षा के लिए सब ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सभी परीक्षाओं में उमा उत्तीर्ण हुई और सप्तऋषियों ने लौटकर पार्वती का वो शिव प्रेम,
भगवान शंकर के समक्ष प्रकट किया। शिव परम आनंद में मग्न भाव से फिर समाधिस्थ हो गए, श्री राम नाम का सुमिरन करने लगे। और उसी समय तारकासुर नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से समस्त लोकपालों को जीत लिया। तारकासुर को अजर अमर होने का वरदान प्राप्त था, इस कारण अनेक युद्धों के बाद भी देवता उस पर विजय न पा सके। समस्त देव समाज ने पितामह ब्रह्मा के समक्ष निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का वध तभी संभव है जब शिव के तेज से एक पुत्र का जन्म हो। शिव पुत्र ही तारकासुर की मृत्यु का कारण हो सकता है। देव समाज चिंतन करने लगा, क्या करें। शिव समाधि में है और अविवाहित है। शिव का विवाह हो जाए, पहले तो शिव समाधि से उठें, फिर विवाह के लिए तैयार हों, उसके बाद एक पुत्र का जन्म संभव। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक उपाय है, सती का जन्म हो चुका है उमा रूप में, वो साधना भी कर चुकी है, बस शिव एक बार समाधि से उठें और विवाह के लिए तैयार हो जाएं तो घटना घट सकती है। देव समाज मंत्रणा करने लगा। शिव की को समाधि से कैसे जगाया जाए, और सबकी दृष्टि जाकर कामदेव पर ठहर गई। कहा, काम तुम जाओ कैलाश। कामदेव ने सुना कि शिव की समाधि में विक्षेप, तो एक बार तो कामदेव भी सहम कर पीछे की ओर हट गया। कहा, पितामह, शिव की समाधि में विक्षेप अर्थात स्वयं को मृत्यु के मुख में धकेलना है। देव समाज ने कहा कि काम, ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे देव समाज की समस्या है, ये राष्ट्र की समस्या है। इसके लिए यदि तुम्हें मृत्यु का भी वर्ण करना पड़े ना, तो सहर्ष कर लेना काम, लेकिन राष्ट्र की सेवा अवश्य करो। कामदेव तैयार हुआ है। कामदेव आए हैं कैलाश। कैलाश का वो तपोआश्रम जहां भगवान शंकर की साधना चल रही है। कामदेव ने आकर अपनी माया का विस्तार किया है। कैलाश पर नाना प्रकार के वृक्ष खड़े होने लगे, पुष्प खिले हैं, वृक्षों पर पुष्प लताएं झूलने लगी हैं, पक्षियों का कलरव होने लगा है। बसंत ऋतु का निर्माण किया है काम। शीतल, मंद और सुगंध तीनों प्रकार की वायु का संचार होने लगा, जो कहीं काम को बढ़ावा देती है। रति का नर्तन होने लगा है। रति के नुपुर का स्वर
कैलाश के उपशांत शिवाश्रम में गूंजने लगा है। तोरे बाजे पायल जनन जनन, तोरे बाजे पायल जनन जनन, तोरे बाजे पायल जनन जनन, तोरे बाजे पायल जनन जनन। देखी रसाल विठब बरसाता, देखी रसाल विठब बरसाता, देही पर चढ़े उमरन मन माता, देही पर चढ़े उमरन मन माता। बाजे पाये के वृक्ष पर चढ़ गया, आम के पत्तों में छिप कर बैठा है काम। सुमन जाप निज सुमन जाप निज सर संतारे, अति सदा की श्रवण चढ़ाकर कामदेव बैठा है। लक्ष्य हुआ है भगवान शंकर का हृदय स्थल। चाड़े विषम विष लागे, चाड़े विषम विष लागे, छूटी समाधि शाम को कब जागे, छूटी समाधि शाम को गया। जाकर भगवान शंकर के हृदय स्थल में लगा और भगवान शंकर की समाधि छूटी है। तब शिवती फर नयन उभारा, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला।
तव शिवती सर नयनु घरा चितवत काम भयो जरी छारा नेत्र खुला और देखते ही देखते ये कामदेव एक राख की ढेरी में परिवर्तित हो गया। देखा इस दृश्य को रति ने, रति रुदन करने लगी और योगी जन तो सब अकंटक हो गए। अब तो काम समाप्त तो हो गया है। तुलसी जी लिखते जोगी अकंटक जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित करती हुई भगवान शंकर के समक्ष रति जाकर खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी। और भगवान शिव तो आशुतोष है, क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। देखा एक असहाय को, देखा एक नारी को, शिव ने करुणा की है। कहारती कि तेरा पति कामदेव आज से बिना शरीर में ही, बिना शरीर से ही सबको व्यापता रहेगा, इसलिए इसका नाम आज से मैं अनंग करता हूं। अब तेरा ती तब नाथ करा हो मिलन प्रसंग। आज से तेरा पति ये काम बिना शरीर के ही सबको व्यापता रहेगा, इसका नाम मैं अनंग कर रहा हूं। लेकिन तेरा पति तुझे शरीर रूप में कब मिलेगा ये भी रति मैं तुझे कहता हूं। जब जदुवंश
कृष्ण अवतार का भार हरण करने के लिए रति कृष्ण तनय तेरा पति तुझे शरीर के साथ पुरुष मिल जाएगा। रति रति ने प्रणाम किया। रति गवनी सुनि शंकर बानी। भगवान शंकर के इस वरदान को लेकर बार बार प्रणाम करते हुए रति वहां से प्रस्थान करती है। और जब कामदेव कैलाश आए तब पूरा देव समाज भी कैलाश में आकर छिप गया और सब देखना चाहते थे कि कामदेव का क्या होगा। क्या कामदेव शिव की समाधि को विक्षेप कर सकेंगे? पूरा देव समाज छिपकर इस दृश्य को देख रहा है। लेकिन जब कामदेव का दहन हुआ, जब भगवान शंकर के उस प्रचंड क्रोध का दर्शन इस देव समाज ने किया, तो एक बार तो पूरा देव समाज भी सहम कर पीछे की ओर हट गया। सब छिप कर खड़े और फिर देखा कि अब रति गई है। रति ने जाकर प्रार्थना की है, शिव चरण में वंदन किया और अब तो शिव प्रसन्न बैठे हैं। देव समाज देख रहा है कि अब तो रति को वरदान दे रहे हैं, अब तो रति पर कृपा कर रहे हैं और अब रति जा रही है। और देखा बैठे हुए शांत प्रशांत मुद्रा में भगवान शिव को, तो पूरा देव समाज एक बार आगे निकला है, आगे बढ़ा है। पितामह ब्रह्मा के नेतृत्व में पूरा देव समाज जय जयकार करते हुए आगे बढ़ा। जय हो आपकी जय हो। भगवान शंकर ने देखा कि आज सब आए हैं एक साथ, प्रसन्न होकर पूछा कि क्या बात है, आज सब एक साथ आए हो क्यों? तो पूरे देव समाज में से पितामह ब्रह्मा हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़े, कहा प्रभु हम आपके उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं।
भगवान शंकर ने कहा, कौन से रूप का दर्शन करना चाहते हो? बोले महाराज, बस हम सबकी एक ही इच्छा है, हम सबका एक ही मनोरथ है, हम आपके दूल्हा रूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी दिमाग तो ठीक है, हम ठहरे बाबा लोग अलमस्त ओघड़, हमारा कैसा विवाह? बोले प्रभु, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। यही मनोरथ लेकर हम सब आए। कहा ब्रह्मा जी, मुझे ओगढ़ का क्या विवाह, और मुझे क्यों फंसाते हो इस माया में, इस प्रपंच में? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो मायापति हैं, देव आपको कौन फंसा सकता है माया में? आप तो एक बार स्वीकृति दे दें बस, हम सब आपके दुल्हा रूप का दर्शन करना चाहते हैं प्रभु, और कोई मनोरथ नहीं। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी देख लो, विवाह में बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, और हम ठहरे हैं ओघड़, हमारे पास कुछ व्यवस्था। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज व्यवस्था की चिंता आप ना करें, व्यवस्था तो सब हम कर लेंगे, आप तो बस केवल एक बार सहज स्वीकृति दे दें। भगवान शंकर ने मन ही मन सोचा कि उधर भगवती उमा का तप भी बढ़ रहा है, परीक्षाएं भी हो चुकी हैं, और फिर समाधि में परमात्मा राम ने भी तो आज्ञा दी है, और इन सब की भी यही इच्छा है। कहा ब्रह्मा जी देख लो एक बार। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप चिंता बिल्कुल ना करें, व्यवस्थाएं हम सब कर लेंगे, आप तो बस एक बार हां कर दो। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा यदि ऐसी बात है और तुम सबकी यही इच्छा है, तो फिर सुनो सुनो ब्रह्मा जी, हमने कहा हां, कराओ कराओ इस नंग धड़ंग का भी विवाह कराओ ब्रह्मा जी। सुनते ही देव समाज में हर्ष व्याप्त हो गया, मंगल वाद्य बजने लगे। पितामह ब्रह्मा ने सबको सूचना दी, देव समाज शीघ्रता करे, सब पहुंचे कैलाश। मंगल वाद्य बजने लगे, मंगल कलश, मंगल द्वार, मंगल तोरण सजे। कैलाश में शहनाई बजने लगी, देव समाज धीरे 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 एकत्र हो रहा है। देवांगनाएं मंगल गीत गाने लगी, अप्सराएं नृत्य करती हैं। बारात सजने लगी, पूरी बारात सजी खड़ी है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि बारात सज गई? बोले हाँ महाराज, बारात पूरी सज गई, अब प्रस्थान की आज्ञा देने गए हैं। और ब्रह्मा जी जैसे ही प्रस्थान की आज्ञा देने लगे, तो एक देव दौड़ता हुआ आया, आकर कान में कहा, महाराज एक बहुत बड़ी भूल हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, भूल क्या हो गई? अरे बारात पूरी सजी खड़ी है, प्रस्थान की आज्ञा देने जा रहा हूं, अब क्या भूल हो गई? बोले महाराज, बारात तो पूरी सज गई, लेकिन जिस दूल्हे का विवाह है, वो दूल्हा तो ऐसे ही बैठा है नंग धड़ंग, उसका तो करो श्रृंगार, उसे तो सजाया। देव समाज दौड़ा,
भगवान शंकर का श्रृंगार करने के लिए, और जैसे ही श्रृंगार करने के लिए देव समाज दौड़ा, उन्हें किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया। ये कह रहे थे कि स्वामी तो हमारे हैं, श्रृंगार तुम करोगे? नहीं, हमारे स्वामी का विवाह है, श्रृंगार तो हम करेंगे। और जानते हैं ये कौन है? ये है भगवान शंकर के गण, भूत, प्रेत। अब इन भूतों से कौन झगड़ा मोल ले? देवताओं ने कहा अच्छा ठीक है, तुम करो श्रृंगार। और ये भूत कब बने थे दूल्हा? जो भूतों को पता हो कि दूल्हे का श्रृंगार कैसे होता है। इन भूतों ने कहा कि देखो भाई, हमें श्रृंगार का पता नहीं है, दूल्हे का श्रृंगार कैसे होता है, तुम बताते जाओ, करते हम जाएंगे, करेंगे। देव समाज से आवाज आई कि दूल्हे को एक मुकुट पहनाते हैं, कोई मुकुट लाए, कोई क्रीट, कोई रत्न जटित ऐसा मुकुट। गणों ने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसे स्वर्ण के मुकुट तो लौकिक दूल्हे पहनते हैं, ये कोई लौकिक दूल्हा थोड़ी है। हम लाएंगे मुकुट। और 5-7 गण भगवान शंकर के चारों ओर घूमने लगे। भगवान शंकर की विशाल जटाएं जो दूर दूर तक फैली हुई थी, उन सब जटाओं को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ऐसा मस्तक पर ऊंचा करके बांध दिया, कहा ये इनका मुकुट है, ये मुकुट। तुलसी जी लिखते हैं, शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। भगवान शंकर के गण श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। आज धूम कर नाचो गाओ, पंडित दे देता बने शिव दूल्हा। आवाज आई, मुकुट तो तुमने पहना दिया, लेकिन दूल्हे को एक मोड़ पहनाते हैं। गणों ने पूछा कि ये मोड़ कैसा होता है? बोले मुकुट में थोड़ा आगे झुका हुआ होता है। एक गण ने देखा बास से एक बहुत सुंदर छोटा सा सर्प का बच्चा जा रहा था, पकड़ा, पकड़कर जटाओं के अग्रभाग में कुछ लटकाकर ऐसा बांध दिया, कहा ये इनका मोड़ हो गया, ये मोड़। वही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। वही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। आज तुम कर नाचो गाओ, पवन दे देता।
कंगन पहनाते हैं, कोई कुंडल लाए, कंकन लाए, तो अश्वत्थ नामक सर्पों को भगवान शंकर के कानों में टांग दिया गया, कुलकी और करकोटक नामक सर्पों को हाथों में बांध दिया गया, कहा कि ये इनके कंगन हैं, ये इनके कुंडल हैं। कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा। आज झूम कर नाचो गाओ भगवान के बने हैं शिव। भूतनाथ का कौन करता वो सब? एक गण ने कहा कि अच्छा उसकी व्यवस्था मैं करता हूं, और बहुत तेजी से दौड़ता हुआ गया सीधा शमशान, और शमशान से गर्म गर्म चिता की भस्म लाया, लाकर भगवान शंकर के श्री अंग में लगा दी, कहा ये इनका उपटन है। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ, पूरा हो गया श्रृंगार? बोले हाँ महाराज पूरा हो गया, बस इतना श्रृंगार बहुत। भगवान शंकर ने कहा ठीक से एक बार देख लो। बोले हाँ महाराज बस अब तो पूरा हुआ, अब आप विवाह प्रसंग के लिए पधारे, बस चले। और भगवान शंकर जैसे ही अपने आसन से खड़े हुए, सामने से देव चिल्लाया, अरे दूल्हे को वस्त्र तो पहनाया ही नहीं, दूल्हा तो दिगंबर, कोई वस्त्र तो पहना। कण गया तेजी से दौड़ता हुआ, जाकर देखा व्याघ्र का चर्म रखा था पास में, उठाया, उठाकर एक पटके जैसा यहां बांधकर लपेटकर उस पर एक बड़े से सर्प को कसकर लपेटा बांधा, और हाथ जोड़कर कहा कि नागराज ऐसे ही कसकर पकड़े रहना, मार्ग में कहीं ढीले मत हो जाना, ढीले मत होना। तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला। आज तुम कर ना तो गाओ जब मिल दे देता, शिव दूला शिव दूला, बने शिव दूला, आज बन शिव दूला।
को कुछ रत्न पहनाते, कोई रत्न लाए। एक गण ने देखा पास में भगवान चंद्रदेव विराज रहे थे, चंद्र को उठाकर जटाओं में सुशोभित किया, कहा इस दूल्हे के लिए यही एक रत्न हो सकता है। देव समाज में किसी ने देखा कि श्रृंगार तो पूरा होने आया लेकिन एक भूल तो बहुत बड़ी हो गई, कहा अरे एक एक काम तो भूल गए। गणों ने कहा कि क्या भूल गए, अब श्रृंगार पूरा होने आया है। बोले हाँ श्रृंगार तो पूरा होने आया है लेकिन दूल्हे को स्नान तो कराया ही नहीं, कम से कम स्नान तो कराना था। अब श्रृंगार यदि स्नान यदि कराएं तो फिर से श्रृंगार करना पड़ेगा। गण घबराए तो एक ने देखा पास में पतित पावनी